ध्यान से देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ अ लिक्विड बाय द मेथड ऑफ फ्लो थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब इज गिवन बाय द फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू, आपको बोला है पाई आर रेस टू फोर पी बाय 8 इंटू एल इंटू क्यू, ये फॉर्मूला आपको दी है। इसमें सिर्फ ईटा बोला है, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ, चलो आर बोला है बेटा रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, तो आर की डायमेंशनल फॉर्मूला एल वन, एल इज द लेंथ एल वन, पी इज द प्रेशर डिफरेंस एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, क्यू इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, बोलो क्या है ये, वॉल्यूम अपॉन टाइम है ना, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो एल थ्री टी माइनस वन। विच क्वांटिटी मस्ट बी मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली, मोस्ट एक्यूरेटली विच क्वांटिटी मस्ट बी मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली, चलो आर एल पी एंड क्यू, कौन सी क्वांटिटी हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, कैसे, देखो बेटा पाई रहने दो एट रहने दो, ये आर पावर फोर है बराबर, पी है बेटा प्रेशर डिफरेंस, एल आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो कैपिलरी ट्यूब की लेंथ है बराबर, वो आप अपने इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट मेजर कर सकते हो। सेकेंड है बेटा आर, आर मतलब रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, एंड ये रेडियस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बराबर, तो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट जो है ना वो रेडियस का निकल सकता है यहाँ पे। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप 10^-6 मीटर तक का डिस्टेंस मेजर करता है, एल लेंथ जो है ना हम मेजर करेंगे मीटर स्केल से, इसमें एरर ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। माइक्रोस्कोप जो है ना 0.00001 मीटर तक का मेजर करेगा, जो इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद की जितनी ज़्यादा डिजिट मेजर करती है उसकी एक्यूरेसी हाई होती है बराबर। ठीक है बेटा, तो इसमें अपना आंसर रहेगा रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब आर।